हम अभी मौजूद हैं रीवा के संजय गांधी हॉस्पिटल के बाहर, जहां पर कल एक छोटी सी बच्ची, मासूम सी बच्ची को लाया गया है, जिसके साथ बीते दिनों गुरुवार को मैहर में एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है। उस 11 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना को दरिंदगी के साथ अंजाम दिया गया है। उस है वो बच्ची एक गरीब तबके से आती है। उस बच्ची के सर पर उसकी माँ के सिवा किसी का हाथ नहीं है। किसी तरह माँ और बेटी मैहर परिसर में ही पूजा का सामान बेचकर अपना गुजर बसर करती थी, लेकिन किसे पता था कि खेलने कूदने की उम्र में उस छोटी सी बच्ची के साथ ऐसी घटना हो जाएगी। मैहर जहां कन्याओं को पूजा जाता है, वहां मंदिर परिसर की थोड़ी ही दूरी पर एक छोटी सी बच्ची के साथ ये दरिंदगी भरा बर्ताव हुआ, उसके साथ रेप हुआ। आइए हम जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में और लोगों का क्या कहना है, पीड़िता के परिवार वालों का क्या कहना है। हम मौजूद है संजय गांधी हॉस्पिटल में और यहाँ पर अभी हमारे साथ पीड़िता की नानी मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा घटनाक्रम क्या रहा और अभी पीड़िता की हालत कैसी है। जो पीड़िता है वो आपकी रिश्ते में नातिन लगती है। आपको इस घटना के बारे में कब जानकारी हुई? रात में। रात में? हाँ, जब दिन भर बीत गया हेरी सी, ता 2-3 बजे के बाद तहेरी सी तो नहीं पाई, तब फिर रात में हेरी छपता रहे तो नहीं पाई, तब फिर फोन लगाई सी, तब फिर हम हीन पाने हूँ कहूँ नहीं पाए। आपकी बेटी ने क्या बताया कि पूरा घर कुछ नहीं बता, कुछ नहीं बताती है दीदी, अभी मुले खात नहीं होती, पागल कुछ नहीं है। मैडम लोग सब लोग खबाती हैं लान लान के, तब घूट घूट के नहीं। मतलब पीड़िता की जो मम्मी है वो इस समय अपना मानसिक संतुलन, मतलब ये घटने के बाद से जो है वो परेशान है, इतनी कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। उनको यकीन ही नहीं हो रहा कि उनकी बेटी के साथ ये घटना घटित हो गई। ये जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है, क्या वो जान पहचान के थे? लड़की बयान करी, वो जान पहचान के थे? नहीं, वो लड़की बयान दिया है ना। अच्छा, तब ना पुलिस उनको अरेस्ट करा है। तो वो लोग जो थे, जो जिन्होंने ये अपराध किया है, वो जान पहचान के हैं? जानी थे साकेत एक आदमी, एक माली लड़की, जैसे वहाँ रहती थी 4 साल से, तो वहाँ वो लड़की देखत रही। जैसे हम 4 साल से अपना के यहाँ रहा, ये तो जाना कि ये औरत यहाँ, ये औरत के ये नाम है, मतलब परिचित नहीं थी पर आसपास देखती थी इसलिए। उसका एक का अतुल नाम, एक का रवि। तो लड़की, उन लड़की को वो वहाँ तक ले कैसे गए, घटना स्थल पर ले बेटा कैसे? हम नहीं जानते, हम तो यहाँ रहे, वो कैसे लाएगा, खेलत रही है, पानी छोड़ कर बाल्टी में लेने आई थी अपने घर से। और वो जो अपराधी हैं वो किस तरह के व्यक्ति थे, उनके बारे में कोई जानकारी, क्या उनके ऊपर और कोई आपराधिक मामला पहले से दर्ज है? नहीं, वो नगर निगम के कर्मचारी हैं, ये ठेकेदार का आदमी है जो मंदिर का ठेका लाए हैं। और अब पीड़िता की हालत कैसी है, डॉक्टर ने क्या कहा? अरे डॉक्टर ने कहा जितना उनके जान है तो दर्द दवाई कर रहे हैं। क्या आप अभी पीड़िता से एक भी बार मिली हैं, आपने उसे देखा? सुबह देखा थे, अभी नहीं देखा। क्या वो होश में है? हाँ, होश में है। बात कर पा रही है वो? आप अभी नहीं मिली हैं पीड़िता से, अपनी नातिन से भी आप नहीं मिली हैं? देख नहीं तो कहा जान के ही कही दे ही हम, वह बताई जे देखी सोई तो बताई, हम ना देख लो। उसकी हालत कैसी है, उसके स्वास्थ्य में अब कोई सुधार है? ठीक है, ठीक है। आप पर किसी प्रकार का कोई ऊपरी दबाव तो नहीं है या कोई की है ना? दवाई चल रही है। दवाई चल रही है? हाँ, दवाई चल रही है। और जो अपराधी हैं वो अब गिरफ्तार हो गए हैं। आप प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? हम चाहते हैं जैसे हमारी लड़की तलफाती तैसे तलफे वहाँ। अमर पाटन भर पहुँचे हैं और वहाँ से 108 में ले आके हमको अमर पाटन से यहाँ पहुँचते पहुँचते बच्ची को एडमिट कर दिया। मतलब आप ये चाहती हैं कि उसका मतलब जो मदद करें उनको सजा मिले?
उनके उनके साथ आप क्या चाहती है कि सरकार क्या क्या एक्शन ले, जो अपराधी हैं उनके साथ क्या कार्रवाई की जाए? उसको कार्रवाई ये करे जाता कि घुटना घुटना से पैर काट दे, दोनों हाथ काट दे और रोड में लेटा के सब लोग उसके लात मार के चढ़ाए उसके ऊपर से। अरे उनको मरी जाना ठीक है ना बेटा, उनका घर गिरा दिया गया बोल रहे हैं, कहा थे कि घर गिर गया है, अब हम देखे तो नहीं है लेकिन बोल रहे हैं कि घर तो गिर गया। सीमा मैडम यहाँ से गई हैं तो उनका घर गिरवा दिया गया है, हैं तो वो तो जेल में सुरक्षित रहेंगे लेकिन उन्हों को बच्चा बीबी तड़फेंगे या बरसात महीना। ये जघन्य अपराध एक ऐसे स्थान पर किया गया है जहाँ पे बालिका को देवी के समान पूजा जाता है, वहाँ पर ऐसे हैवानों का होना और ऐसी हैवानियत का होना, इस पर मतलब आप क्या सरकार से कहेंगे कि इससे निजात पाने के लिए सरकार क्या कार्रवाई करे, वो क्या कदम उठाए, क्या घर गिराना बस काफ़ी है? अब तो दुनिया जाऊँ छाबा है तो वहाँ होगा बेटा। हम तो यही चाहते हैं कि उनका दोनों गोड़ काट लें, दोनों हाथ काट लें, अब बीच सड़क में लिटा दें और सब लोग उसके कपारे में लात धर के ही उठाएं, हम यह चाहते हैं। अभी पीड़िता के साथ उनकी माता जी अंदर हैं, है ना? माता जी अंदर अंदर हैं। अंदर है। पीड़िता के पिता भाई कोई, मतलब पीड़िता का परिवार में कौन कौन है? पीड़िता के परिवार में खुशबू लोनी, दो बहन है और उसका बाप खत्म हो गया है, ये मामा है साथ में, हम दोनों नानी हैं साथ में।